हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर चॉकलेट गनाश कैसे बनाते हैं। तो मैंने बनाया है, तो चलिए आप लोगों के साथ भी वो वीडियो शेयर करती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस डबल बॉयलिंग प्रोसेस में कर रही हूँ। अगर आप माइक्रोवेव में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें डार्क चॉकलेट डालूँगी, और अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो डार्क चॉकलेट डाल के इसको 10 से 20 सेकंड तक माइक्रोवेव कर लीजिए। तो अभी जो है मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 10 सेकंड के बाद निकाल कर चॉकलेट को बटर डाल के उसको 20 सेकंड के लिए और चला लीजिए, और उसके बाद इसको मिक्स करना है अच्छे से। यहाँ पर चॉकलेट और बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी जो है मैं इसमें डालूँगी फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी अमूल फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऐड किया था क्योंकि थोड़ा ऐड करने से ना अच्छा लगता है इसका टेस्ट। यहाँ पर चॉकलेट गनाश हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं केक को डेकोर कर लेती हूँ। तो गनाश को मैंने बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और अभी मैं इसमें चॉको चिप्स डाल रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से इसको डेकोर कर सकते हैं। तो